न्यूज़ आई थी कि अंग्रेजी मीडियम आ रही है एंड तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी. तब मुझे पता नहीं था कि कोई बच्ची का भी रोल है या कुछ है, बट बाद में मुझे पता चला कि इट्स अ फादर और अ स्टोरी. तो मुझे लगा अच्छा डॉटर तो छोटी थी, फिर छोटी होगी. बट देन आई रियलाइज कि उनको एक मतलब 17 की एज के ब्रैकेट में देर ऑडिशनिंग. तो जैसे ही मुझे खबर मिली, ऑडिशन मैंने नाम सुना, मैंने टीम को बेग किया कि प्लीज़ मेरे लिए ऑडिशन लेके आओ. एंड बस मैंने ऑडिशन दिया एंड उस टाइम पे मैंने पटाखा ख़त्म की थी, तो मैं 12 किलो हैवियर थी सर. तो आई थिंक मैं पूरा श्रेय डीनू और होमी को दूंगी कि उन्होंने मुझे उधर से इन्विजन किया. क्योंकि क्या होता है कि आपको उसमें सेकेंड हाफ में मैंने एक माँ का रोल किया, तो आप कैसे एक 17-year-old इन्विजन कर सकते हैं. तो उसका पूरा श्रेय जाता है आपके डायरेक्टर पे और आपके प्रोड्यूसर पे. आप तो बिलीव कर लेते हैं खुद में, आपको लगता है आप बहुत तो हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी आप में बिलीव करें. तो उन्होंने करा बिलीव एंड दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड. हिंदी मीडियम जब फिल्म आई थी तो लोगों को बहुत पसंद आई, खासकर इसका जो सब्जेक्ट था, खासकर कि इस फिल्म की एक बात थी, हम लोगों को बहुत कुछ मैसेज देके गई है फिल्म. अंग्रेजी मीडियम अब जब आ रही है तो क्या संदेश लेकर आ रही है, क्या कहना चाहती है अंग्रेजी मीडियम? सारी बहुत सारे इश्यूज को अंग्रेजी मीडियम कवर करती है, सिर्फ एक इशू को नहीं करती है. ये जो हमारा फैसिनेशन है अब्रॉड जाके पढ़ने का, एक बाप की स्ट्रगल, रिश्ते जो होते हैं एक भाई भाइयों के बीच में या बाप बेटी के बीच में, रिश्तों को कवर करेगी, सपनों को कवर करेगी, इस फैसिनेशन को कवर करेगी. बहुत होल फिल्म है, आपको एक फ्लेवर नहीं देखने को मिलेगा. तो जैसे इरफान सर ने बोला था ना अपने मैसेज में कि फिल्म आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और शायद फिर हंसाएगी, बिल्कुल वैसी फिल्म है. आप देखिएगा, आप देखेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा जो आपको आप बोल रहे हैं जिस बारे में. बट मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी कि आपको बहुत फ्लेवर्स दिखेंगे इसमें. वो रटाने वाली जो पढ़ाई है, रट रट के याद करो, ये वो वाली नहीं, इंस्पायर करने वाले टीचर चाहिए जो बच्चों में हो सकता है. अगर कोई हिस्ट्री का टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो कुछ उसे ऐसा इंस्पायर कर दे कि उसका इंटरेस्ट बेशक हिस्ट्री में ना हो लेकिन किसी स्पोर्ट्स में हो, तो भी वो इस टीचर को याद रखे. वो कुछ उसके अंदर की जो जेन्युइन क्वालिटी है जो सिर्फ उसके पास है उसे पहचान के बता दे क्या है. मेरे को पता है कि मैं जब इंग्लिश जो हमारे टीचर थे मिस्टर पांडे, तो मैंने उन्हें बोला सर मैं नहीं अच्छे नंबर ला पाया इसमें, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू, पर आपने बहुत कुछ और चीज़ें सिखाई. मतलब आप फिलॉसफी जो आपकी होती थी वो बहुत प्यारी होती थी कि अपने अंदर को पहचान लो. तो एंड वहीं पे उन्होंने बोला, मुझे अभी भी याद है, तब मुझे इंग्लिश अभी थोड़ी बहुत लेकिन वो वर्ड मेरे कानों में है कि मिस्टर दीपक, इफ़ यू वांट टू थैंक्स मी सो प्लीज़ फाइंड समथिंग इनसाइड यू विच इज़ वेरी स्पेशल, फाइंड दैट. तो अगर जिस दिन तुम उसे फाइंड करोगे, ढूंढ लोगे, वो मेरा असली थैंक यू होगा. मैंने कहा ओके सर, ओके ठीक है. तो ऐसे हक किया उन्होंने, नहीं, लाइफ बड़ा गेम है, कुछ और चीज़ है आपके अंदर, उसे फाइंड दैट. तो वो मैं ऐसे क्या करूँ क्या नहीं, फिर यहाँ से यहाँ आया तो मैं आज भी उस चीज़ को ढूंढता रहा यार क्या चीज़ है. मैं पीछे रह गया और चीज़ों में, दुनियादारी में, इधर उधर. फिर मैंने वही देखा कि मेरे में इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं खो जाता हूँ, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ. तो ये किस फील्ड की तरफ इशारा है, इमोशनल बहुत हूँ मैं, है ना, मैं इम्पल्सिव भी हूँ, झिड़क भी जाता हूँ, बट वो ये सारी चीज़ कहाँ इशारा करते. तो एक दो दोस्त ने इशारा किया एक्टिंग, मैंने ट्राई करूँ. हाँ, पर ट्राई की तो ऐसी बेइज्जतियाँ हुई शुरुआत. वो सब खैर. तो ये है कि अगर टीचर इंस्पायर करें, इंस्पायर करने वाले टीचर से, और ये नहीं कि मेरा सब्जेक्ट में टॉप आने के लिए उनका बेसिक जो इंस्टिंक्ट है उसे वो किसी स्टूडेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. नहीं, उन्हें पता है कि हाँ यार मेरे सब्जेक्ट में वीक है, माई बैड लक, बट इसके अंदर ये क्वालिटी है. तो वो जो हुनर की रिस्पेक्ट है ना, बचपन से अगर टीचर करने लग जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा.